नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे 2021 महिंद्रा एक्सयूवी 300W8 ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के कंप्लीट फीचर्स दिखाऊंगा, एक्सटीरियर से भी इंटीरियर से भी, और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फिलहाल अभी जो ये पर्टिकुलर गाड़ी आप लोगों के सामने खड़ी है, ये डीजल में इसका टॉप एंड वेरिएंट है मैनुअल में। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 12.64 लाख रुपीज़ और न्यू दिल्ली के अंदर इसकी ऑन रोड कीमत है 14.93 लाख रुपीज़। मतलब कि ये कि लगभग 15 लाख रुपए इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है, और इंडिया के कुछ अदर स्टेट्स हैं जहाँ पर रोड टैक्स और भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसकी कीमत और भी 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा रहने वाली है। फिलहाल दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्जर डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 115 bhp की पावर, 300 nm का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है दोस्तों। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको दिए गए हैं, इंसुलेशन वगैरह भी दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के एक्सटीरियर के फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको LED DRLs मिलते हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज के हैं, प्रोजेक्टर आपको हेडलाइट्स मिलती हैं, और DRLs की शेप आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे तक DRLs जो हैं इस गाड़ी में आते हैं। नीचे की साइड आपको हेलोजन के अंदर मिलते हैं फॉग लैंप्स, और दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। फ्रंट ग्रिल्स में आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलती है, यानी कि क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है, और फ्रंट में आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिलती है स्किड प्लेट। अब बात करते हैं इस गाड़ी के टायर साइज के बारे में। 215/55 R17 आपको टायर प्रोफाइल मिलती है, चारों ही टायर्स में आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर डिस्क ब्रेक। बॉडी कलर मिलते हैं आपको ORVMs विद इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिकली आप इनको फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर रूफ में आपको मिलती हैं रूफ रेल्स, साथ ही साथ आपको ऊपर की साइड मिल जाती है एक सनरूफ, जो कि काफ़ी पसंद किया जाने वाला फीचर है हमारे भारत के अंदर। जो ड्राइवर साइड डोर है, यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स जो मिलता है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलता है विद रिक्वेस्ट सेंसर। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ और आपको मैं डायमेंशंस बताता हूँ। 3995 mm की गाड़ी की लंबाई है, 182 mm की गाड़ी की चौड़ाई है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। 2600 mm का आपको गाड़ी के अंदर मिलता है व्हील बेस। फिलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी को बैक प्रोफाइल से, तो बैक प्रोफाइल से देखने में कुछ ऐसी लगती है। पीछे की साइड आप देख सकते हैं रूफ में आपको पावर एंटीना दिया गया है, कोई भी शार्क फिन एंटीना आपको 15 लाख रुपए की बजट के अंदर नहीं मिलता है। पीछे की साइड आपको स्पॉइलर के अंदर दोस्तों मिलता है हाई स्टॉप माउंट लैंप, बैक गिलास के अंदर आपको डिफोगर वाइपर वॉशर का भी ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आपको XUV 300 रियर की लुक से देखने में कैसी लगती है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। LED आपको गाड़ी के अंदर मिलती हैं टेल लाइट्स, और दोस्तों यहीं पे नीचे की साइड आपको बैजिंग मिलती है XUV 300 की, जो कि आपके राइट हैंड साइड पे है। गाड़ी की अगर मैं बात करूँ पीछे के और फीचर्स की, तो यहाँ पे महिंद्रा के लोगों के जस्ट नीचे आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, और बैक बम्पर के अंदर आपको मिलते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और दोनों ही साइड रिफ्लेक्टर्स। इस गाड़ी की जो दोस्तों आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 42 लीटर्स की। अभी चलते हैं इंटीरियर में, उससे पहले आपको की दिखाता हूँ। दोनों ही आपको रिमोट की मिलती हैं, 3 बटन्स मिलते हैं जो कि फ्लिप की है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों ये की यहाँ पर देखने को आपको लगती है। तो अभी गाड़ी को करते हैं अनलॉक और बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर साइड डोर के बारे में। तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये डोर है, और आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड ओपन होता है। सिल्वर फिनिशिंग में आपको मिलता है डोर ओपनर, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। और दोस्तों ड्यूअल टोन फिनिशिंग में आपको गाड़ी के अंदर मिलता है इंटीरियर, चारों ही पावर विंडोज़ के यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं, ORVMs को इलेक्ट्रिकली फोल्ड, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन, डोर लॉक अनलॉक, और नीचे की साइड आपको मिलता है बोटर होल्डर का स्पेस, डोर पॉकेट का स्पेस। पियानो ब्लैक फिनिशिंग का भी यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर में यूज़ किया गया है। फ्रंट की दोनों सीट्स आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड सीट्स हैं, काफ़ी बड़े साइज़ की, और ये जो यहाँ पे कलर का यूज़ किया गया है ये इसके इंटीरियर की जो लुक्स है उसको और भी ज़्यादा इन्हांस करता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं फ्रंट की दोनों सीट्स में, ड्राइवर साइड सीट में आपको मैन्युअली हाइट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन जो है वो दोस्तों दिया गया है। और मैं जैसे कि आपको पहले भी बता रहा था, काफ़ी बेहतरीन सीट्स यहाँ पर देखने को लगती हैं। ड्राइवर के राइट हैंड साइड पर आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पे इन बटन्स की दी गई है।
एसी वेंट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों यहाँ पे आपको मिलते हैं। लेदर रैप्ड आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। स्टेयरिंग क्रूज कंट्रोल के फीचर्स आपको राइट हैंड साइड पर मिलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिलते हैं ऑडियो के कंट्रोल्स। अगर मैं बात करूं मटेरियल क्वालिटी की, तो मटेरियल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देख के लगता है कि इतनी जल्दी ये कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, मतलब काफ़ी अच्छा सिलेक्शन जो है वो मटेरियल का यहाँ पे कम्प्लीटली इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, जिसको आपको थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। एनालॉग आपको गाड़ी के अंदर मिलती है। MID डिस्प्ले लेफ्ट हैंड साइड पर, RPM मीटर राइट हैंड साइड पर, आपको स्पीडोमीटर सेंटर में, एक डिजिटल डिस्प्ले, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये है यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलती है। ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम यानी कि TPMS भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। 2 जोन आपको इस गाड़ी के अंदर AC मिलता है, यानी कि ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आप अलग अलग हिसाब से टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। 7 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है इसके अंदर, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्विटर्स, USB कनेक्टिविटी, ऑक्स कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स, साथ ही साथ आपको नेविगेशन भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का ग्लोब बॉक्स। ग्लोब बॉक्स के अपर पार्ट पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, और वैसे मुझे ग्लोब बॉक्स इसका थोड़ा सा छोटा लगा साइज में। इसके मुकाबले में टाटा का जो ग्लोब बॉक्स आता है अपनी गाड़ियों में वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा होता है। को ड्राइवर साइड भी आप देख सकते हैं डोर पे आपको सेम फिनिशिंग मिलती है, और दोस्तों ए पिलर पे आप देख सकते हैं SRS एयरबैग की बैजिंग है, और बी पिलर पे भी यहाँ पे बैजिंग करी गई है SRS एयरबैग्स की। इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, और आप देख सकते हैं फोल्डेबल आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन फिनिशिंग के साथ। ड्राइवर साइड आपको कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। को ड्राइवर साइड आपको काफ़ी बड़े साइज का वैनिटी मिरर दिया गया है, और ड्राइवर साइड दोस्तों आपको यहाँ पे भी वैनिटी मिरर मिलता है जो कि काफ़ी बड़े साइज का है। ऑटोमेटिक आपको IRVM मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर मैं मानता हूँ। ऊपर यहीं पर रूफ में आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है, और दोस्तों यहीं पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं अपने सनरूफ कर। ऊपर रूफ में आपको 2 हैलोजन लाइट्स भी मिलती हैं। तो एक नॉर्मल साइज की सनरूफ है जिससे एक छोटा बच्चा ही बाहर निकल सकता है, इतनी बड़ी सनरूफ ये नहीं है, बट फिर भी जिन लोगों को अपनी गाड़ी के अंदर सनरूफ चाहिए तो वो एक फीचर आपको मिलता है। नीचे की साइड आप देख सकते हैं 2 USB पोर्ट मिलते हैं, एक ऑक्स कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट दिया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको गाड़ी के अंदर मिलता है, और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। यहीं पर आपको 2 कप होल्डर्स का स्पेस मिलता है, और सेंटर में आपको मिलता है एक आर्म रेस्ट जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरेज जो है दोस्तों अवेलेबल है। फिलहाल अभी चलते हैं इस गाड़ी की रियर सीट की तरफ और बात करते हैं रियर सीट के फीचर्स के बारे में। रियर डोर भी काफ़ी वाइड ओपन होता है, सिल्वर फिनिशिंग में यहाँ पे आपको डोर ओपनर मिलता है, पावर विंडो का स्विच मिलता है, और यहीं पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग जो है दोस्तों वो दी गई है। नीचे आपको बोटर होल्डर का स्पेस दिया गया है और डोर पॉकेट का स्पेस। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो गाड़ी के अंदर चारों ही डोर्स में बोटर होल्डर्स का स्पेस जो है वो प्रोवाइड कराया गया है। ये इस गाड़ी की रियर सीट है। 3 आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि आर्मरेस्ट के अंदर आपको स्पेस मिलता है या नहीं मिलता है कप होल्डर्स का। और सीट्स की कुशनिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन कुशनिंग है। बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। ड्राइवर साइड सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट, और कितना अच्छा नी रूम लेग रूम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 2600 mm का आपको गाड़ी के अंदर मिलता है व्हील बेस। रियर में भी आपको दोनों ही साइड मिलते हैं फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स विद कोट होल्डर हुक। क्योंकि गाड़ी की जो चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है, तो 3 एडल्ट आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। रियर सीट पे बैठने के बाद ऐसी कुछ आपको लुक्स मिलती हैं। चलते हैं बूट की तरफ। 259 लीटर्स का आपको गाड़ी के अंदर मिलता है बूट स्पेस, और दोस्तों रियर सीट को आप 60-40 स्प्लिट में फोल्ड कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक इस गाड़ी के अंदर जरूर है, जो बूट स्पेस है वो अपने सेगमेंट से इसका लगभग 100 लीटर के आसपास कम है। और जो आपको स्पेयर व्हील मिलता है दोस्तों वो भी आपको एक प्रोफाइल छोटा यहाँ पे मिलता है 205/65 R16। तो इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट भी आप कह सकते हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स भी मिस हैं जो इस गाड़ी के अंदर होने चाहिए थे। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक काफ़ी बढ़िया पैकेज ये 15 लाख रुपए के बजट के अंदर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपके पास एक नया ऑप्शन आ चुका है महिंद्रा XUV 700 5 सीटर का।
वो गाड़ी कहीं ना कहीं इस गाड़ी से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, इससे ज़्यादा पावरफुल आपको वो गाड़ी मिलेगी। और दोस्तों नई गाड़ी है, नए प्लेटफॉर्म पे है, तो वो सब चीज़ें भी अभी देखना बाकी है। अभी मार्केट के अंदर वो डीलरशिप पे देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई है। तो अगर आप XUV300 का टॉप एंड वेरियंट लेना चाहते हैं तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको और भी बेहतर चॉइस जो है इस सेगमेंट में मिलेगी। अगर दोस्तों आपको आज की ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।